इक्विलिब्रियम अप्रोच बताने। आप लोग ने लिख दिया था कि बेटा इक्विलिब्रियम में एडीएस अप्रोच आपने लिख दिया था कि नहीं, बताओ हाँ या ना? लिख दिया था ना, ये डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एडीएस अप्रोच, ये पूरी अप्रोच बना दिया था, उसका थियोरी लिख दिया था आप लोग, और मुझे लगता है समझ आ गया, दिक्कत नहीं है आपको इसमें। आज आप लोग को क्लास में एक नया टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है? अब हमारा एट द एंड आ चुका है, ये जो हमारा बड़ा यूनिट था, और इसके साथ हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आज हम जो क्लास में करने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट आज करने वाले हैं। आप ये मान के चलो कि आपका प्री बोर्ड हो या मेन एग्जाम हो, इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। तो आपको ये कंसेप्ट क्या है थोड़ा सा अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसके सारे, आपको इसका न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ कैसे बनता है, ताकि आपको इसको लेकर कोई डाउट ना रहे और आप इसको एकदम अच्छे से क्या कर सको, पढ़ सको। बेटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का अगर मैं मीनिंग बोलूं तो मेरे साथ साथ मीनिंग लिख दो। नंबर ऑफ टाइम द इनकम इज मल्टीप्लाइड, नंबर ऑफ टाइम द इनकम इज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में जो आप इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आगे जाके कितना ग्रो होता है या कितना बढ़ता है। इको बीएसटी का प्रैक्टिकल ना, अभी प्रवीण सर से मैं बात भी कर रहा था इस चीज पे, आइदर 4, 5, 6 हम लोग अप्रैल को रख दे रहे हैं या फिर अप्रैल के सेकेंड वीक में होगा। तीनों लाइन से होंगे, अकाउंट, इको बीएसटी। तो नंबर ऑफ टाइम इनकम इज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल के तौर पे आदित्य ने कभी अपने जमाने में 10,000 रुपए कहीं इन्वेस्ट किया था, आज वो इसका 10,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गया है 10,000 का। तो इस बात से आपको ये समझ आना चाहिए कि जो आदित्य है उसकी इन्वेस्टमेंट 100 times मल्टीप्लाई हुई है, 100 गुना मल्टीप्लाई। उसने लगाया 10,000 था उसका, अब इनकम 10,00,000 हो गई है 10,000 पे, तो 100 गुना इसकी इनकम बढ़ी है। इसे ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए और सीख लीजिए। नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम इज मल्टीप्लाइड मतलब इंक्रीज, यहाँ पे मल्टीप्लाइड मतलब इंक्रीज होता है, बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी धंधे या किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उससे आपकी इनकम कितना गुना बढ़ती है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब सीधे हम टू द टॉपिक आते हैं, हम बात करते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे करना होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना कैसे करना होता है, इसका फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं, आप भी लिख लो। फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं के के सिंबल से, के सिंबल से हम डिनोट करते हैं, याद रखना इस बात को। फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, के सिंबल से ये क्या होता है, डिनोट होता है, ये बात मत भूलना, ठीक है? तीन फॉर्मूले हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कोई भी एक यूज करोगे। पहला फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/(1 - MPC), एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आइदर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे या फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/(MPS), मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और या तो तीसरा फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हैं, के इज इक्वल टू del y/del i। आप लोग नोटिंग कर दो, हियर del y इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, del i इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का 3 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का, ठीक है? तो 3 में से एक फॉर्मूला लगा के निकलता है, के इज इक्वल टू
वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, के अपॉन वन अपॉन एमपीएस, या के इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल आई। तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगाओगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकलेगा। आप ये नोट कर दियो तो बताओ। सर नोट कर दिया, आप आगे बताओ। ये नोट हो गया क्या? फॉर्मूले देख लो, इन फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनाने हैं। ये नोट हो जाए तो बताओ, यस सर हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले नोट कर दिए हैं। डन की नहीं? हाँ या ना बोलो। हो गया क्या? एक मिनट रुकना बेटा, बस एक मिनट रुकना।